ये वाला फोन इसके पास नहीं है। शबे जुर्बत मौला अली शबे कदर, किसने क्या, जिसने भी क्या है गलत क्या है, और जो भी करना चाहते हैं ना भाई, फेस टू फेस करो, मुंह के सामने आगे करो। इसी के साथ गाइस अपना लोड ऑल्टो का एक आगे का बम्पर टूटा हुआ था भाई। लोग, जिंदगी आपका है, किसी और का नहीं है, तो इस जिंदगी के साथ ज्यादा खिलवाड़। साथ में अभी मैं सोच रहा हूँ अपने लोड ऑल्टो के पीछे कलमा लिखूं, अपना ही बेहतर हो। तो भाई अल्लाह ताला जो भी लिखता है ना भाई, वो अच्छे के लिए लिखता है। तो हम ओके, सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सब लोगों का स्वागत करते हैं और एक प्यारे से व्लॉग में। तो गैस आज हेयर का भी और बैकग्राउंड का भी लुक चेंज हो चुका है, ठीक है गैस। तो हेयर का भी अभी तक कुछ आइडिया नहीं कि वहाँ पे परमानेंटली रहेगा आज दिन भर या नहीं रहेगा, कुछ भी आइडिया नहीं है। बाकी गैस आज का व्लॉग मैं अगर से शूट करूँ हर बार की तरह इस बार भी, और बाकी अभी हमें जाना है बाहर, और बाहर हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि हमने सोचा नहीं है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो भाई जो वैसे आप लोगों को पता है जो मैं सोचता हूँ वो होता नहीं, और जो नहीं सोचता हूँ वो हो जाता है, पी रहते आप लोगों को पता है। नहीं जाऊँगा दुकान पर, मन ही नहीं करता यार, क्योंकि बारिश भी गिर रहा है बाहर बहुत तगड़ा वाला, और बारिश के साथ बारिश एक बुरा पैगाम लेके आ रहा है कि भाई तुम्हारा वीडियो का 365 डेज कम्प्लीट होने वाला है। और यूट्यूब पर एक क्राइटेरिया होता है, मैं जिन्हें पता, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, एक क्राइटेरिया होता है एक 4000 वॉचिंग टाइम का और 1000 सब्सक्राइबर्स का। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर्स हमारा कंप्लीट कर दिया, और बाकी बचा है हमारा वॉचिंग टाइम। हमारे वॉचिंग टाइम के लिए 600 आवर्स वॉचिंग टाइम चाहिए, तो भाई कंप्लीट करा देना, थैंक यू। बाकी आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिखाया, और चलते हैं फिर बाकी की बात बाहर जाएगी करते हैं। इसी के साथ अपने लोड ऑल्टो के भी हमने वॉशिंग करा लिया गाइस, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है अभी वॉशिंग करने के बाद, नहीं तो इससे पहले इसका बुरा हाल हो चुका था गाइस कसम से। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, आई डोंट नो किसने क्या, जिसने भी क्या है गलत क्या है, और जो भी करना चाहते हैं ना भाई, फेस टू फेस करो, मुँह के सामने आगे करो, जो भी करना है भाई, इस तरह पीठ पीछे इस तरह ऐसी चीज़ें बुरे हरकतें मत करो, क्योंकि ये ना अलग आदत बन जाते साथ रह जाते, तो भाई ऐसे चीज़ें मत करो। और इंजन को भी हमने थोड़ा पानी मारा, चकाचक नज़र आ रहेगा इस ओए होए होए होए। अपना लोड ऑल्टो का ना भाई बहुत ही प्यार देते, दिल से प्यार देते हम। अपने पास अपने जो भी सगी चीज़ें होते हैं ना, मतलब दिल का जो चहीते होते हैं, और चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो चाहे गाड़ियाँ हो, मतलब इन चीज़ों का कदर करना चाहिए। हम इग्नोर करते हैं ना उन चीज़ों को, यार है तो है भाई, रहने दे साइड में, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। जो कोई भी है, मतलब चाहे मेरे पास बाइक हो चाहे मेरे पास ऑल्टो हो, सब चीज़ों का मैं खास ख्याल रखता हूँ, और मेरी फैमिली भी रखता है, तो भाई बात ऐसा है। इसी के साथ गाइस अपना लोड ऑल्टो का एक आगे का बम्पर टूटा हुआ था, आगे का बम्पर का लॉक टूटा हुआ था, सॉरी मैं क्या बता रहा हूँ पता नहीं। तो बम्पर का लॉक जो है वो नया लगा दिया, और पुराना ये रहा गाइस, ये टूटा हुआ था। इसमें स्क्रू डाल के हमने इसका हल किया, क्या पता है आप लोगों को, इसे फिटिंग करने डेंटर आएंगे, हमें फिट नहीं आ रहे। साथ में इस गाड़ी का एक्सीडेंट चेक करो गाइस, भाई खूनी खून यार। मेरे जो कोई भी भाई है जो कि गाड़ी चलाते हैं, तो भाई उन लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, आराम से चलाओ। इस ऑल्टो का जो हालत हुआ था ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, और भाई यहाँ तक ठुका हुआ था, और इंजन पूरा क्रेक है, ख़त्म है। और जो यहाँ पे जो ड्राइवर था, जो बच्चे थे, मतलब वो लोग बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात तो वो है। बाकी अंदर का खून चेक करो गाइस, खून ही खून देखो, अरे उन्होंने कैसे बच गया यार, कसम से इतना अगर ठुका तो भाई मर जाएंगे इंसान। और साथ में पीछे का सीट देख सकते हैं पूरा बेंड किया हुआ है वो। भाई लोग, जिंदगी आपका है, किसी और का नहीं है, तो इस जिंदगी के साथ ज्यादा खिलवाड़ मत करो, क्योंकि ये जिंदगी छोटा जिंदगी है यार, तो इसमें जियो यार, आराम से यार, मजे से जियो, क्यों ऐसे तोया नहीं करना है, तो मत किया करो ऐसे काम जिससे आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो और आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो भाई ऐसी चीज़ें मत किया करो यार, दिल से बुरा लगता है जब ऐसे गाड़ियाँ हमारे वर्कशॉप में आते हैं। तो साथ में अभी मैं सोच रहा हूँ अपने लोड ऑल्टो के पीछे कलमा लिखूँ, अपना ये यूट्यूब का लोगो हटा के यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखूँ कलमा अंदर, और बाकी दुकान चेक करो गाइस। यहाँ पे आया हूँ मैं इस वाली दुकान पे, सलामकुम काचू सब ठीक से, ठीक तो भाई गाओ जैसे यहाँ पे लिखा है ना वैसे। अपना लोड ऑल्टो का ना बेहाल हो गया गाइस कसम से, इधर भी थोड़ा बहुत लग गया, इधर भी लग गया भाई,
और न जाने कहाँ कहाँ लगा हुआ है। गाइस ये अजीब सा बात कर रहे हैं यार, बोलते हैं आज नहीं होगा, कल आ जाओ, कल करेंगे। तो अभी इसका जो फॉन्ट है, जो मुझे लिखना है, जैसा मुझे लिखना है, ये वाला फॉन्ट इसके पास नहीं है। तो भाई बोलते हैं कल आ जाओ, क्या बोलते हैं गाइस? ओके, तो फाइनली गाइस मैं घर पहुंच चुका हूँ और मुझे अपने लॉर्ड ऑल्टो पे ना कलमा लिखना था। भाई मैं बहुत एक्साइटेड के साथ, उम्मीद के साथ गया था कि भाई आज जो करना है वो करना है आज ही। बट गाइस वहां पे पहुंचते ही कुछ अलग हो गया भाई, और वहां पे एक बस भी था जैसे कि आप लोगों ने देखा हमारे यहाँ की है। तो गाइस उस बस का स्टिकर लगाते लगाते शाम हो गया और नहीं लगा पाया। उसने बोला भाई कल आ जाओ, कल के लिए टाइम दिया। सो देखते हैं गाइस कल होता है कि नहीं, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और कलमा तो भाई लिखना ही लिखना है, और साथ में आप लोगों को ये भी मालूम है जैसा मैं सोचता हूँ वैसा होता नहीं है, कभी भी नहीं होता यार, क्या पता, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। तो बाकी जो भी अल्लाह ताला लिख के होते हैं, जैसा अल्लाह ताला सोचते हैं वैसे ही होता है। तो भाई क्या पता आज से कल बेहतर हो मेरा, ठीक है, आज जो मैं लिखता वो बेकार से हो जाता, कल जो मैं लिखेंगे वो आज से भी बेहतर हो। तो भाई अल्लाह ताला जो भी लिखता है ना भाई, वो अच्छे के लिए लिखता है। तो हमें कभी भी नाशुकरानी नहीं करना चाहिए, कभी भी उदास नहीं होना चाहिए यार, स्माइल के साथ, खुशी के साथ रहा करो जिंदगी में। एक छोटी सी लाइफ है, जिंदगी में जीना सीखो गाइस, ठीक है। तो भाई चलते हैं, फिर कल मिलते हैं आप लोगों के साथ। وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طاهرين وأمتي من بعد إلى يوم القيامة في كل رمضان. शब-ए-ज़ुर्बत मौला अली, शब-ए-क़दर 19 रमजान, शुक्र अल्लाह ताला का ये भी नसीब हुआ। और साथ में गाइस ये हर किसी को नसीब नहीं होता, जो किस्मतदार होते हैं उन्हीं को ही मिलता है। और बाकी गाइस मेरे प्यारे ऑडियंस, किन किन लोगों ने इस शब में अमाल किया और किन्हें नसीब हुआ, सो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और साथ में अभी बज रहे रात के 2 बजे, आवाज अजीब सा हो गया और सर पे मंडरा रहा है नींद का सवार। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए बाय। ओके, तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे सुबह की 11, वैसे सुबह की 11 बोल सकते हैं कि दिन की 11 बोल सकते हैं गाइस, सो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इसमें क्या कर रहा हूँ यार, बहुत लेट हो गया गाइस, अभी मुझे जाना है दुकान पे भी, चलेंगे फिर मिलेंगे। तो गाइस लुक कैसा आ रहा है? सो मुझे आज अपना लुक थोड़ा यूनिक दिख रहा है यार, आज से डे 2 है इस व्लॉग का। तो आज ही एंड करेंगे इस व्लॉग को, ठीक है, लेट्स सी। और साथ में मौसम की बात की जाए तो अभी तक बारिश हो रहा था और न जाने अभी धूप कहाँ से निकल गया। सो अभी धूप भी निकल गया माशाल्लाह, और सुहाने मौसम भी है। तो चलते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आज का व्लॉग की तलाश में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।